क्या वास्तव में यूएफओ या उड़न तस्तरियों का कोई अस्तित्व है? क्या सच में एलियंस भी होते हैं? इन्हें लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं और ये लोगों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय भी बने हुए हैं। हर कोई इसका प्रामाणिक जवाब जानना चाहता है। इसे लेकर अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यूएफओ पर गठित अपनी टास्क फोर्स की रिपोर्ट को यूएस कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया। जारी की गई रिपोर्ट में आखिर क्या है? यूएफओ पर गठित पेंटागन टास्क फोर्स की शुक्रवार को रिपोर्ट सामने आई। इसमें 2004 के बाद से धरती पर दिखे 144 यूएफओ या कहें कि उड़न तस्तरियों के बारे में बताया गया है। हालांकि पूरी रिपोर्ट में इस बात का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इन उड़न तस्तरियों का संबंध दूसरे ग्रहों से आए एलियन से है। पेंटागन ने एलियंस की संभावना को पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया है। इसके अन्य संभावनाओं में वायुमंडलीय घटनाएं, हवाई अव्यवस्था और अमेरिकी संस्थाओं के डेवलपमेंट्स और क्लासिफाइड प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है। इसी बीच यूएफओ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच अमेरिका की एक पूर्व नौसेना अधिकारी ने यूएफओ से सामना होने का अनुभव बयां किया। अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी अलेक्स डाइट्रिच ने कहा, 2004 में जब मैं ट्रेनिंग मिशन पर थी तब मेरा सामना यूएफओ से हुआ था। मैंने और मेरे कमांडिंग अफसर ने एक असामान्य सी चीज को समुद्र की सतह के ऊपर देखा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते और उससे संपर्क स्थापित कर पाते, वो गायब हो गया। बता दें कि यूएफओ को लेकर अपने इस दावे के कारण ये महिला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि इनका कहना है कि वो खुद को विसल ब्लोअर के तौर पर नहीं देखती और ना ही खुद को यूएफओ पर्सन के तौर पर बताती हैं। दूसरे ग्रहों से आए जीव जिम्मेदार नहीं। अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारे पास कोई स्पष्ट संकेत नहीं कि यूएफओ के लिए दूसरे ग्रहों से आए जीव जिम्मेदार हैं। हम इस डेटा के जरिए जिधर भी इशारा करेंगे, लोगों का शक उधर ही घूम जाएगा। हमारे पास कोई डेटा नहीं है जो इंगित करता हो कि इनमें से कोई भी अज्ञात वायु घटना किसी विदेशी या दुश्मन देश की तकनीकी का प्रयोग हो।